30 मार्च 2018 को पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए पर्व की तरह गुड फ्राइडे की बधाई या शुभकामनाएं नहीं दी जाती, इसे शोक का पर्व माना गया है। गुड से यहाँ मतलब पाप के नाश से है। आपको बता दें कि हर साल गुड फ्राइडे अलग तारीख को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह को क्रॉस पर क्यों लटकाया गया? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। उन्हें मृत्युदंड इसलिए दिया गया था क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक कर रहे थे। उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों यानी कि धर्मगुरुओं ने यीशु का पुरजोर विरोध किया। कट्टरपंथियों ने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी क्रांति ना कर दें। ऐसे में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया। मौत से पहले यीशु को ढेरों यातनाएं दी गईं। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। इसके बाद यीशु को गोल गोथा नाम की जगह ले जाकर सलीब पर चढ़ा दिया गया। प्राण त्यागने से पहले यीशु ने कहा था, हे ईश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।